एक माला में विरोध आ जाए तो वो अनमोल हो जाता है। और वही कार्य हमारे वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर प्रदीप कुमार विश्वकर्मा जी अपने अथक प्रयास से सर्व विकास समाज विकास परिषद का गठन करके कर रहे हैं। और हम सभी लोगों को विश्वकर्मा समाज के इस सूत्र में बांधने का प्रयास कर रहे हैं। मैं चाहूंगा सर्वप्रथम डॉक्टर प्रदीप कुमार विश्वकर्मा जी के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। और दोस्तों एक बात कहना चाहूंगा कि हर सपने पर विश्वास करो तो लगा चांदनी का चंदन, हर सपने पर विश्वास करो लो लगा चांदनी का चंदन, मत सोचो मत याद करो ज्वाला में कैसे बीता जीवन। इस दुनिया की है रीत यही, सहता है तन बहता है मन, सुख की हमारी मदिरा में जो जाग सका वो है चेतन। इसमें तुम जाग नहीं सकते तो सेज बिछा कर मत सो, फूल नहीं बो सकते तो काटे कम से कम मत हो, काटे कम से कम मत हो, काटे कम से कम मत हो। ये भावना लेकर के हमारा समाज और मैं बारी बारी करके हमारे बीच मुख्य अतिथियों को संबोधित करूंगा। उनसे आग्रह करूंगा कि जिनका नाम मैं पुकारूं वो आकर के अपना स्थान ग्रहण करेंगे। सर्वप्रथम मैं सर्व विश्वकर्मा समाज विकास परिषद के संस्थापक एवं चेयरमैन जिनके अथक प्रयास से इस समाज का संगठन हुआ है और वो बड़े वरिष्ठ समाज सेवी हैं जो अपने समाज के उत्थान के लिए हर वक्त तत्पर रहते हैं, जोरदार तालियों के साथ उनका अभिवादन करें। आखिरी श्रीमान डॉक्टर प्रदीप कुमार विश्वकर्मा जी, जोरदार तालियां होनी चाहिए। और डॉक्टर बहुत से अनुरोध है कि वो आए और आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। जोरदार तालियां एक बार सभी की तरफ से तालियों की तंदुरुस्ती रखें। और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप आए और डॉक्टर साहब को बुके देकर के सम्मानित करें। बिल्कुल अलग थी और बिना मानना था
कि मनुष्य को समाज में नहीं रहनी चाहिए। आप इस चीज को थोड़ा सा महसूस करिएगा कि मेरा मानना था कि मनुष्य को समाज में नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि समाज में वो लोग रहते हैं जिनको बेरोजगार है या फालतू के काम है या कुछ ऐसा है जिसको कि कुछ आता नहीं है, टाइम पास करते। आप राजी हैं? राजी हैं दोस्तों, बोलिए। तो मेरा मानना था कि ये बेकार का काम है, लेकिन किसी ने फोन किया था मुझे, भोपाल से थे, बोले कि आपसे कुछ चाय पर कुछ बात करेंगे, आपके घर या आपके क्लिनिक में आएंगे, तो आइए वेलकम। क्योंकि कास्ट के थे तो उनको बुलाए थे, वो आए। आने के बाद बहुत सारे तर्क दिए और बहुत सारे बातें मुझसे शेयर किए, विभिन्न तरह के बातों में उन्होंने मुझे उलझाया कि समाज में आना चाहिए, समाज में करना चाहिए, और हर बात को उनको मैंने काट दिया। काटने के बाद वो बेचारे हतोत्साह हो गए, निराश हो गए। अंतिम में बोले कि मैं जाता हूँ, एक बार और ठंडी चाय गर्म चाय हो जाए। बोले ठीक है सर। फिर मैंने गर्म चाय के लिए फिर पेश किया, और उसके बाद जब वो बोले कि आप एक अच्छे इंसान हैं, अपने बच्चों अपने परिवार के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपने बिल्कुल वो मेरा फर्ज है, तो उन्होंने कहा कि क्या समाज परिवार से ऊपर होता है और देश उससे ऊपर होता है? उन्होंने कहा देश उससे ऊपर होता है। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल है। तो मुझे क्लिक किया, तो कहते क्या कि क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि आप जब परिवार को बेहतर से देखभाल कर सकते हैं तो समाज को ऊपर आपका दायित्व बनता है या नहीं बनता है? तो मेरा कुछ लगा कि कुछ नर्म हुए, तो देश के प्रति भी आपकी कुछ उत्तरदायित्व बनता है कि अगर आप सफल नागरिक हैं तो देश के ऊपर बनता है। तो मेरी आंख जो उस वक्त नम हो गई और मुझे लगा कि नहीं, ये व्यक्ति सही बोला है। सारा तर्क और सारा साफ मेरा सारा दर्शन खत्म हो गया और हम राजी हो गए उनके साथ। और मैंने कहा कि आप बताइए करना क्या पड़ेगा। तो बोले नहीं कुछ नहीं, समाज का एक ग्रुप बना दी है और उस ग्रुप से समाज का संगठन को मजबूत करना है। बोले फिर उन्होंने ग्रुप बनाया विश्वनाथ समाज के नाम से, और मेरे पास बहुत सारे लोग का लिस्ट था, लगभग 70-75 लोग था। मैंने उसमें लिस्ट को दिया और सबको ग्रुप में किए और लोगों से भी लिस्ट लिया गया। ये बात है 2015 का है। मुझे खुशी हुआ कि देखते देखते 150-200 का व्हाट्सएप ग्रुप बन गया। अब बनने के बाद मुझे आश्चर्य लगा कि सब लोग ग्रुप में अपना आदान प्रदान करने लगे। मेरे ही चेम्बर में बड़ा सा मिला, ये मीना निवास को जगह था जहाँ पर काफी जगह था, मीटिंग वगैरह सब हो रही और काफी मीटिंग हुआ और काफी लोग अच्छे भी हुए। समाज का गठन हुआ। समाज का गठन होने के बाद उस समाज का नाम रखा गया श्री कल्याण संघ, ऐसा विश्वकर्मा कल्याण संघ रखा गया। अब उसमें क्या हुआ, कुछ लोगों ने उस समाज को बीट करके या हैंग करके ऐसा कर सकते हैं अपने ही मनमानी को उन्होंने किया। मेरा विजन है कि मुझे करना क्या है दोस्तों, कुछ भी नहीं करनी है। समाज के लोगों के प्रति प्रेम मेरे पास कुछ भी नहीं है, प्रेम के सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं है। सिर्फ प्रेम को लेकर समाज के कल्याण के लिए, समाज का सेवा के लिए चल पड़े हैं और साथ चाहते हैं आप सबों का, और मुझे उम्मीद है कि आप सबों का साथ है भी, और बहुत सारे प्रेमी हैं जो इस मिशन में साथ हैं। तो मुझे भी खुशी हो रही है, समाज का काम करके बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही है, क्योंकि आप दूसरे का सेवा करते हैं या दूसरे का काम करते हैं तो लगता है कि नहीं चलो अपने को सपोर्ट मिलता। आप इस चीज़ पर विश्वास करेंगे दूसरे का मदद करके सपोर्ट मिलता या नहीं? विगत कुछ सालों से समाज में हम लोग हैं और ऐसी ऐसी जटिल समस्या को हम लोगों ने सॉल्व किया जो देखा जाए कि बहुत जटिल है। कोई लड़का लड़की का डिस्प्यूट है पति पत्नी का, वो कोर्ट में 5-10 साल तक वो झूलता वहां पर, देखते देखते हम लोगों ने उसे 2-3 महीना में सॉल्व किया। ऐसे 8-10 केस हम लोगों के पास उसका लिखित है। तो इसके लिए अच्छी बोलना है सब विकास परिषद का अचीवमेंट है दोस्तों।
ऐसा बहुत कुछ है जो हम लोग चाहते हैं कि लीगल किसी को एडवाइस हो, किसी को सहयोग हो, हम लोग उसके लिए करने के लिए तैयार हैं। हमारे अतिथिगण इस संबंध में कहेंगे भी। और शिक्षा पर हमारी बहुत ज्यादा जरूरत, शिक्षा हो गया, फिर स्वास्थ्य हो गया, ऐसे ऐसे बहुत सारे चीजें। सबसे मुख्य बात जो कहेंगे, आज हमारे बीच एक से एक धुरंधर व्यक्ति है, हमारे मुख्य अतिथि है, साथ में हमारे राकेश में जो है कंसल है, साथ में धनराज से कुछ हमारे गेस्ट है, और बहुत सारे मोटिवेटर भी है, समाज सेवी भी है, और एक सिद्धांत भी आए हुए हैं जो खड़गपुर से है, समाज सेवी है, समाज सेवी यहाँ बड़े हुए हैं हमारे जो चीफ गेस्ट है। तो सभी से सुनेंगे हम लोग कि कैसे हम लोग समाज को आगे ले जाए और कैसे समाज को हम लोग उन्नत करेंगे। तो अब मैं चाहूंगा कि आज सब विश्वकर्मा विकास परिषद के पावन अवसर पर, आज जो प्रोग्राम है विश्वकर्मा अवसर दिवस के अवसर पर, आप सबों को बहुत सारा बधाई। और साथ में हम चाहेंगे कि आज के हमारे जो अतिथिगण है उनसे हम कुछ बातें सुने। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा, आज हमारे बीच है श्री दिनेश चंद शर्मा जी, जो समाज को कुछ दिशा निर्देश देंगे, जो धनबाद से हैं। सो प्लीज वेलकम दिनेश चंद शर्मा जी, आप आए और समाज को दिशा निर्देश दें। आए सर, सबसे पहले आप एक बार विश्वकर्मा भगवान की जय करें।